Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम है महासारोपम सूत्र। क्या नाम है? महासारोपम सूत्र। महासारोपम सूत्र। उस समय भगवान बुद्ध राजगीर में बीजकोट फाड़ते थे। देवदत्त बुद्ध शासन को त्याग करके ज्यादा समय नहीं बिता हुआ। उस दिन देवदत्त को लेकर के भगवान बुद्ध बांते लोगों को बताया, भिक्षु कोई कोई पुण्यवान लड़के लोग गृहस्थ जीवन त्याग करके श्रद्धा मन से चीवर पहनते हैं कि हम ये जन्म मृत्यु शोक शारीरिक दुख मानसिक दुख इत्यादि ये संसार में हम बहुत पछताते थे। ये दुख का अंत नहीं है, तो ये सारे दुख खत्म करने का मौका मिल गया तो कितना अच्छा है, ऐसा समझ के लोग चीवर पहनते थे संसार का दुख खत्म करने के लिए। उस प्रकार चीवर पहनने के बाद जो चीवर पहने हुए बनते जी लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा प्राप्त करता है। लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। उसी लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के चलते अपने को वर्णन करता है, दूसरों को घृणा करता है। कैसे? ये लाभ सत्कार सिर्फ मुझे मिलता है, बाकी लोग इतना फेमस नहीं है ना, बाकी लोग हम जैसा उतना अनुभव संपन्न नहीं है, बाकी लोग हम जैसा उतना अच्छे नहीं है। उसी प्रकार की लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से लोग डूब जाता है, नशा हो जाता है, देर होता है, प्रमाद होने के कारण दुख से रहता है। क्या भगवान बुद्ध ने बताया? श्रद्धा मन से लोग चीवर पहनने का मतलब क्या है? खाते पीते रहेंगे आराम से, ऐसा ये जन्म मृत्यु संसार का सारे दुख खत्म करने के लिए। लेकिन ये चीवर पहनने का बांते लोगों क्या होता है? लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में फंस जाता है। लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के चलते वो लोग क्या करता है, अपने को बड़ा बढ़ा के दिखाता है, दूसरों को गिरा के दिखाता है। अरे देखो उसको इतना इतना लाभ सत्कार नहीं मिलता, हमको मिलता है, हम क्योंकि हम पाचे कान पान रहते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता, हम फेमस है, हमको नाम मिलता है, कुछ नहीं है। ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के चलते लोग प्रमाद होता है। प्रमाद मतलब धर्म पे देर होता है, देर होकर के बहुत दुख से रहता है। उदाहरण एक बताया, पेड़ की सबसे बीती वो क्या है? प्राकृतिक
शीशम पेड़ का जो सबसे बीच में क्या है वहाँ सबसे मजबूत लकड़ी, सबसे मजबूत वही बीच में होता है, वही लकड़ी से कुछ काम है एक आदमी को। तो एक आदमी ने क्या कि ऐसा लकड़ी खोजने के लिए जाते समय मजबूत अंदर मजबूत लकड़ी रहने वाले बहुत बड़ा एक पेड़ देख लिया। तो ये क्या किया, ये आदमी ने लकड़ी का मजबूत जगह समझकर वो मजबूत जगह को छोड़कर छिलका भी छोड़कर वो क्या क्या पत्ता और टहनी ले गया, क्या समझ कर मजबूत लकड़ी समझ कर पत्ता और टहनी ले गया। इसके बाद ये देखते रहते एक आदमी, वो आदमी सोचता है, वो आदमी बोलता अरे ये मूर्ख लकड़ी का मजबूत जगह के बारे में जानता ही नहीं है। मजबूत जगह के पहले जो मिलता है लकड़ी वो भी नहीं जानता है, इसके बाद छिलका है वो भी नहीं जानता है। ये आदमी को मजबूत लकड़ी का जरूरत पड़ा, मगर इसकी खोज खोज के आ भी गया, मजबूत पेड़ भी मिल गया, ऐसा मजबूत लकड़ी मिलने वाले पेड़ भी मिल गया। मिलने के बाद ये आदमी मजबूत लकड़ी रहने का जगह भी छोड़कर उसके बाद मजबूत लकड़ी है ना इसके बाद पेड़ पे, यानी कि पेड़ ऐसा है तो ये मजबूत जगह बीच में है, इसके बाद है उतना मजबूत नहीं, इसके बाद छिलका है, ये तीन चीज हर एक पेड़ में है, सबसे बीच में है उसको एक नाम है, हमको नाम याद नहीं है, आप लोगों को पता नहीं हिंदी कौन सा भाषा है, हिंदी कुछ नहीं है शब्द उसमें, हम लोग अरटू कहते हैं। जैसे कि मेरा हड्डी है ना, हड्डी सबसे मजबूत है, हड्डी के किनारे मांस है, मांस के किनारे मांस से ऊपर चमड़ी है, वो है सफेद भी हड्डी, बीच में हड्डी जैसा मजबूत, इसके बाद उनमें मांस जैसा है उतना मजबूत नहीं, इसके बाद छिलका है। अरे ये आदमी ये सब छोड़ करके कुछ पहचानता ही नहीं, कान्नी और पत्ता को उठा के ले गया, क्या समझ कर मजबूत लकड़ी समझ कर। तो ये आदमी को किस चीज का जरूरत पड़ता है अपना काम के लिए, मजबूत लकड़ी का जरूरत है, लेकिन ये ले गया था क्या टहनी और पत्ता उठा के ले गया, वही सही है। इस बुद्ध शासन में श्रद्धा मन से आकर के लोग चीवर पहनते हैं, किस कारण पे चीवर पहनते हैं, हाँ ये संसार भव सागर से पार करने के लिए, मन की गंदगी को मिटाने के लिए, दुख परेशान तकलीफ इत्यादि सारे चिंता को मिटाने के लिए चीवर पहनता है। चीवर पहनने का तो बांते जी को लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा मिलता है, लोग आके नमन करता है, कोई कोई लोग बहुत बहुत चीज पूजा करता है, बांते जी आप बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ऐसे करके गुण बोलता है, ये सब क्या है लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा। ऐसा लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा मिलने के बाद बांते जी बदल जाता है, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से खुश होता है ये बांते जी, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से अपने को उठा के दूसरों को गिरा के दिखाता है, कैसे अरे उन लोग फेमस नहीं है, उन लोग कुछ प्रसिद्ध नहीं है, हम भी प्रसिद्ध, मेरा नाम न्यूज़पेपर में भी आ गया, हाँ मेरा चेहरा टीवी में भी आ गया, उन लोग तो कुछ नहीं है, हम फेमस है ना, ऐसे करके लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में फंस कर दुखी मन से दुख से रहता है,
और उसको अपना कारण सफल सफल कर सकता है क्या? नहीं। और इस बुद्ध शासन में लोग हैं, उन लोग भी श्रद्धा मन से ही चीवर पहनते हैं। पहला लड़का भी श्रद्धा मन से चीवर पहन लिया, दूसरी लड़का भी श्रद्धा मन से चीवर पहन लिया। क्यों पहन लिया? जरा मृत्यु संसार में शोक दुख परेशान चिंता तकलीफ इत्यादि सारे तकलीफ परेशान को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए। उसी प्रकार चीवर पहन लिया। ये भंते जी लाभ सत्कार की प्रशंसा से खुश नहीं होता है। लाभ सत्कार की प्रशंसा मिलने के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया, मुझे सब नमन करते हैं ना, अभी हम बड़ा हो गया, ऐसा लाभ सत्कार की प्रशंसा में ये भंते जी फंसते नहीं है। लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा मिलते समय अपने को उठाकर दूसरों को गिरा के नहीं देखता है। लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में नशा नहीं होता है, यानी कि उसमें फंसता नहीं है, प्रमाद नहीं होता है, अप्रमाद होकर शीलवान होता है, शील से खुश होता है। शील से खुश होने के बाद उनका मन में आता है अब सब कुछ ठीक है, अपना शील को लेकर के, अपने शील के चलते खुद को उठा के दूसरों को गिरा के दिखाता है, हम है शीलवान, मेरे पास धर्म है, बाकी लोग का शील नहीं है ना, बाकी सारे भंते लोग दुशील हैं, पापी है, हम शीलवान हैं, हम एक भी शील तोड़ता नहीं है। ऐसा करके अपना सील के चलते वो घमंड होता है, उसी के कारण वो देर होता है, प्रमाद होता है, दुख में फंस जाता है। उसके लिए एक उदाहरण पता है, वैसे ही एक आदमी को मजबूत लकड़ी का जरूरत पड़ा, तो ये आदमी गया जंगल में जाने को, देख लिया मजबूत लकड़ी थी जिस पेड़ में, उसी पेड़ को देख लिया, देखने को मन में आ गया हाँ यही है पेड़। ये आदमी ने क्या किया, लेकिन ये आदमी मजबूत लकड़ी पहचानता नहीं, इसके बाद जो मजबूत लकड़ी किनारे जो लकड़ी वो भी पहचानता नहीं, इसके बाद छिलका भी पहचानता नहीं। ये आदमी ने क्या किया, छिलका उठा के ले गया, पेड़ को छिलका फूर फूर के छिलका को उठा के ले गया, क्या समझ के, मजबूत लकड़ी समझ के छिलका ले गया। ये देखते रह गया एक आग से एक आदमी, वो बताया अरे ये मूर्ख आदमी को, ये आदमी को लकड़ी का जरूरत पड़ा। ये आदमी आकर के देख लिया पेड़ भी मिल गया, ये आदमी लेकिन पहचाना नहीं मजबूत लकड़ी क्या है, इसके बाद लकड़ी क्या है, चिल्का क्या है, खानी पत्ता क्या है, कुछ नहीं पहचानता है। ये चिल्का पत्ता छोड़ दिया मगर नहीं, ये खानी पत्ता तो छोड़ दिया मगर ये चिल्का को उठा के ले गया। इसको मजबूत लकड़ी का जरूरत है मगर इसका जरूरत पूरा हो जाएगा क्या? नहीं, अधूरा छूट जाएगा। वैसे ही श्रद्धा मन से लोग चीवर पहनता है दुख खत्म करने के लिए, मगर वो लोग चीवर पहन के लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में फंसता है क्या? नहीं, मगर सील सुरक्षा करता है, सील सुरक्षा करके सील से घमंड होता है, हम सीलवान है ना, बाकी लोग सीलवान है ही नहीं, तो उसी टेम्पल उसी करके कोई सीलवान नहीं, हम सीलवान हैं, ऐसा करके अपने को उठा के दूसरों को गिरा के घमंड होके रहता है, उसके चलते वो प्रमाद होता है, दुख से रहता है। वैसे ही है और एक लड़का है, वो भी श्रद्धा मन से बुद्ध शासन में आकर के चीवर पहन लिया दुख खत्म करने के लिए।
उसको मिलता है लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, हर एक बंदे को मिलता है ना। लोग आके नमन करता है, गुण बोलता है कि खाना बना के पूजा करता है, इसके बाद बहुत गिफ्ट पूजा करता है, इसके बाद कहीं भी जाएंगे तो आसन से उठता है, और राज महाराज भी आ गए तो नमन करता है, मंत्री लोग आ गए तब भी नहा जोड़ के नमन करता है, सब कुछ करता है ना। अभी देखिए साजन को कोई नमन करेगा? साजन आते समय कोई आके कुर्सी से उठेगा? नीतीश कुमार आके नमन करेगा? अगर साजन आज चीवर पहन लिया तो कल सभी लोग उठेगा कि नहीं? पूरा संडे स्कूल के बाद चलो उठ के कहेगा नमो बुद्धाय बंती जी। वो चीवर का पावर है, सभी लोग माना जाता है ये तो संत बन गया। तो ये बंते जी कुछ लाभ सत्कार की प्रशंसा मिला, लेकिन उस पर फंसा नहीं, सील सुरक्षा की अच्छा से। लेकिन वो सील के कारण भी घमंड नहीं हुआ, सील के कारण उसको नशा नहीं चढ़ा, सील से कभी वो सोचा नहीं हमको सील है दूसरों को सील नहीं, ऐसा करे कभी सोचा तक नहीं, अपना सील सुरक्षा करके अच्छा से रहा। लेकिन वो क्या करता है, समाधि पाता है ध्यान करके, सील से भी घमंड नहीं हुआ है ना, समाधि पाता है ध्यान करके। अभी ध्यान में अभी समाधि है, समाधि है मतलब अभी उनको ध्यान बहुत आगे तक गया है, बहुत देर तक ध्यान कर सकता है। ध्यान में उसको मन एकदम शांत है, उसको समाधि कहता है। समाधि मिलने के बाद उसी समाधि से वो भंते जी क्या होता है, घमंड हो जाता है, समाधि के चलते सोचता है हाँ अभी सब कुछ ठीक है, अभी हमको समाधि मिल गया ना, अब सब कुछ हो गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब हमको बहुत देर तक ध्यान कर सकता है, बस हमको यही जरूरत था। और सोचता है, उन बाकी लोग ध्यान नहीं करता है ना, हम ध्यान करते हैं, बाकी लोग को पुकार ध्यान करने का मन, हम देखिए कितना देर बैठते हैं, हम भी ध्यान करने वाला, ऐसा करके ध्यान के चलते घमंड होता है, समाधि के चलते घमंड होकर कैसे रहता है, दुख से रहता है, देर होता है, प्रमाद होता है। और कैसा है, एक आदमी को मजबूत लकड़ी का जरूरत पड़ा, ये आदमी मजबूत लकड़ी खोज खोज करके जंगल में गया, देख लिया मजबूत लकड़ी मिलने वाले एक बड़ा पेड़, देखने के बाद ये आदमी सोचा हाँ इसमें होगा, लेकिन ये लकड़ी को पहचानता नहीं है मजबूत लकड़ी क्या है, तो ये आदमी कानी पत्ता पहचानता नहीं, छिलका पहचानता नहीं, इसके बाद जो मजबूत लकड़ी वो पहचानता नहीं, बीच में सबसे मजबूत लकड़ी वो पहचानता नहीं। तो ये क्या किया, कानी पत्ता छोड़ दिया, छिलका भी हटा दिया, इसके बाद मिलता है ना छिलका हटाने के बाद वही मजबूत लकड़ी समझ करके वही ले गया। ले जाने के बाद ले जाते समय ये देखते रहता है एक आदमी, अरे मूर्ख अच्छा एक लकड़ी का मजबूत लकड़ी का जरूरत इसको पड़ा, आ गया मजबूत पेड़ भी मिल गया, पेड़ है बुद्ध शासन, पेड़ भी मिल गया, मिलने के बाद है भाई लेकिन ये पहचानता नहीं मजबूत लकड़ी क्या है, इसके बाद लकड़ी क्या है, छिलका क्या है, कानी पत्ता क्या है, ये कानी पत्ता में फंसा नहीं, छिलका भी लिया नहीं, लेकिन इसके बाद जो लकड़ी है वही ले गया मजबूत लकड़ी समझ कर। वैसे ही है कोई एक लड़का है भगवान बुद्ध के धर्म सुन करके दुख खत्म करने के लिए चीवर पहनता है, चीवर पहनने के बाद लोग आके लाभ सत्कार की पूजा सत्कार सम्मान आदर गौरव करता है, उसमें फंसता है, अच्छा से सील सुरक्षा करता है उसमें फंसता है, ध्यान करता है समाधि को पाता है उसमें वो फंस जाता है, फंस कर समाधि से खुश होता है। अभी हमको समाधि मिलता है, वो कैसा है, पेड़ का
कमजोर चिल्का के बाद जो लकड़ी है ना वही उठा के ले जाने वाला व्यक्ति है। और एक व्यक्ति है उनको भी चाहता है मजबूत लकड़ी, नहीं वो एक लड़का है वो भी चाहता है सारे दुख खत्म करना। ये लड़का भी क्या किया, घर से अनुमति लेकर के मंदिर में आके झीवर पहन लिया, किसके लिए, सभी दुख से मुक्त होने के लिए चीवर पहन के अभी मेहनत करता है, लोग नमन वंदना करता है उसमें फंसता है नहीं, इस बार शिव सुरक्षा करने लगा उसमें फंसता है नहीं, इस बार ध्यान करके समाधि मिल गया उसमें फंसता है नहीं। ये बांते जी को समाधि से कुछ नहीं होता है, बिना देर हो करके ज्ञान दर्शन को पाता है, वो ज्ञान दर्शन से खुश हो जाता है। ज्ञान दर्शन मतलब प्रज्ञा सोतापन, ज्ञान दर्शन मतलब भी प्रज्ञा, शायद सोतापन नहीं हो सकता है, आर्य सत्य समझ सकता है अभी ये बंते जी को अच्छा अच्छी तरह समझ सकता है, ऐसा आर्य सत्य समझने के बाद सोतापन से पहले आर्य सत्य समझने के बाद दूसरों को गिरा के अपने उठा था, हम तो हमको पूरा मालूम है, पाठी संपद मालूम, सारे ज्ञान की मालूम हमारे पास है, बाकी लोग के पास नहीं, फिर घूमते घूमते रहता है, ऐसा करके घमंड होता है उसी ज्ञान के चलते, घमंड होके दूसरों को गिरा के अपने घुटा के रहता है, प्रमाद होता है, देर हो करके दुख से रहता है। कैसा है एक आदमी है उसको एक मजबूत लकड़ी का जरूरत है, मजबूत लकड़ी खोज खोज जाते समय उनको बहुत मजबूत पेड़ मिल जाता है, ये मजबूत लकड़ी समझकर पेड़ में ऐसा होता है, सबसे पहले चिल्का ही, चिल्का क्या कहता है, चाल है, चाल है, चाल के बाद चिल्का है, चाल के बाद चिल्का है, चिल्का के बाद मांस है, उसके बाद मजबूत लकड़ी हाथ दिया जैसा, चाल है, समझ में आ गया ना। तो ये आदमी लकड़ी खोजने खोज के जाने के बाद खानी पत्ता छोड़ दिया, इसके बाद क्या है, चाल भी छोड़ दिया, इसके बाद चिल्का भी छोड़ दिया, इसके बाद मांस जैसा लकड़ी को मजबूत लकड़ी समझ करके ले गया। ये देखते रह गए एक आदमी, अरे ये आदमी बहुत मेहनत करके अपना मजबूत लकड़ी का जरूरत पड़ा, आ गया पेड़ भी देख लिया, लेकिन ये मजबूत लकड़ी पहचानता नहीं है, कभी देखा नहीं, तो ये चील का पत्ता और हानी छोड़ दिया, इसके बाद छाल भी छोड़ दिया, इसके बाद चील का भी छोड़ दिया, इसके बाद मांस उठा के ले गया मजबूत लकड़ी समझ कर। अब इसको मजबूत लकड़ी से जो काम आता है हो जाएगा, इसे नहीं होगा,
वैसे ही कोई बांधते चीवर पहनकर लाभ सत्कार कीर्ति प्रथम से फंसता नहीं, सील में फंसता नहीं, ध्यान में समाधि मिलते उसमें फंसता नहीं, लेकिन ज्ञान दर्शन मिलता है, ज्ञान मिल जाता है, उसी ज्ञान में फंस जाता है। अरे हमारे पास ज्ञान है, जान कर सब कुछ मेरे पास, बाकी लोग पास कुछ नहीं है, सब नीच है, हम सारे सब ज्ञान जानने वाले, इसे करके घमंड होता है, देर होता है, कैसे हो करके वो दुख से रहता है। और लोग हैं, और चौथा वाला है ना, अभी कितने लोग बताए, अभी चार के बारे में बताए ना, एक दो तीन चार के बारे में बताए, ये पंचमा वाला, पंचमा वाला लड़का कभी चाहता है ये जन्म मृत्यु संसार में बिना गिर के सभी दुख से मुक्त होना चाहते हैं, मन में आ गया ये दुख खत्म करने का मौका मिल गया तो कितना अच्छा है। तो ये लड़का अभी चीवर पहन लिया, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा मिलेगा उसमें पता नहीं, इसके बाद सील सुरक्षा करता है अच्छे से, सील से ये घमंड नहीं होता है, सील के चलते अपने कुटा के दूसरों को गिरा के नहीं देखता है, सील से अच्छे से रहता है, समाधि भी मिलता है, अच्छा समाधि भी है उसमें भी ये फंसता नहीं है। इसके बाद ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन भी है, ज्ञान दर्शन में भी ये घमंड नहीं होता है, नॉर्मल हो जाता है। ज्ञान दर्शन से खुश होता है, मगर ज्ञान दर्शन के चलते दूसरों को गिरा के अपने को टाक नहीं देता है, ज्ञान दर्शन मिलने के बाद कभी मन में नहीं सोचता है कि अब सब कुछ कर लिया है, वो क्या करता है उसी ज्ञान दर्शन लेकर के बिना नहीं घमंड होने के कारण बिना देर हो के सभी दुख से मुक्त होता है, अरहत को प्राप्त करता है, वो अरहत बनते उसी अरहत का भी पतन नहीं होता है, एकदम कंफर्म फिक्स है, अरहत को पतन होने के लिए कुछ भी जगह नहीं है। वो है मजबूत लकड़ी को, मेन लकड़ी को पकड़ लिया है, यानी कि बुद्ध शासन जिस कारण पे आ गया वो कारण पूरा किया है, बताया भिक्षु ये प्रवर्जी जीवन, ये बनते लोग का जीवन लाभ सत्कार की प्रशंसा ठागत करके नहीं रहता है, लक्ष्य लाभ सत्कार की प्रशंसा नहीं है, बनते लोगों का जीवन सील को ठागत करके नहीं रहता है, बनते लोगों का जीवन समाधि को टारगेट करके नहीं रहता है, बनते लोगों का जीवन ज्ञान दर्शन को टारगेट करके नहीं रहता है, बनते लोगों का जीवन हमेशा बिना हिलने वाले अचंचल तथा एकदम फिक्स मजबूत कभी दुख में नहीं फंसने वाले अरहत को टारगेट करके रहता है। ये अरहत है बनते लोग का जीवन का लक्ष्य, यही है मजबूत लकड़ी, यही है अपना जीवन का सब कुछ, अरहत से ही जीवन परिपूर्ण होता है। भगवान बुद्ध ने सुंदर उपदेश बताया, बनते लोग के उपदेश सुनकर बहुत खुश हो गया, तो आप लोगों को भी, आप लोग का मन में भी लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से घमंड, मन घमंड ना हो, आप लोग का सील से मन घमंड ना हो, आप लोग का मन समाज से घमंड ना हो, ज्ञान
दर्शन से घमंड ना हो, आप लोगों को सभी दुख से मुक्त हो के सुख शांति को पाने का भाग्य मिल जाए। साथ, 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 साथ।